आज तेरी जान लेके छोड़ूंगा हरिया। आज तुझे मौत के घाट उतार दूंगा हरिया। ये ले हरिया, तुझे चांद से मार दूंगा आज मैं। मेरी बिजली को मारा ना तूने, ये ले। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे। अंकल, अंकल हम धर्म से प्यार करते हैं, हम उसके बिना नहीं जी सकते अंकल। अंकल हमें जाने दो। मेरे दुश्मन की बात करती है जिसने मेरे जिगर के टुकड़े को मौत की नींद सुला दिया। तू उस कुत्ते की बात करती है? तू उस कुत्ते की हामी भरती है जिसने हमारे छोटे को मौत की नींद सुला दिया। सरिता, आज तू देखना, तेरे उस यार के छोटे छोटे टुकड़े कर अगर कुत्ते को ना खिला दूं तो मेरा नाम हीरा नहीं, उसके बाद तुझसे शादी रचाऊंगा। हीरा, ये तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। सरिता मर सकती है लेकिन तुझसे शादी कभी नहीं कर सकती। हमारी रगों में भी ठाकुर का खून है। हीरा, ले जाओ इसे, कर दो कमरे में बंद, तब तक के लिए जब तक इसके यार को ठिकाने न लगा दे। कभी नहीं, धर्म तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जाओ हीरा, तब तक ये चेहरा मुझे मत दिखाना जब तक इसके यार को ठिकाने न लगा दो। पिताजी, या तो आज धर्म मरेगा वरना सूरज नहीं छिपेगा। खोलो, दरवाजा खोलो, हमें धर्म से मिलना है। दरवाजा खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो, हमें धर्म से मिलने जाना है। कोई है? कोई है यहाँ हमें धर्म से मिलने जाना है? कोई है? कोई है? क्या हुआ? धर्म, क्या हुआ सरिता? धर्म तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। हम बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आए हैं। कौन लोग? हम तुम्हें खोना नहीं चाहते धर्म, उन्होंने हमें बहुत मारा। तुम घबराओ ना सरिता, जब तक ये धर्म जिंदा है तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। रही बात चौधरी के कुत्तों की, तो वो धर्म को क्या मारेंगे? अरे मेरे दिल में तो बिजली पे हुए अत्याचारों की वो ज्वालामुखी सीने में धधक रही है। जब तक चौधरी के घराने का ये धर्म सर्वनाश नहीं कर देगा, चैन एक पल नहीं मिलेगा धर्म को। धर्म, धर्म। भैया, भैया ये तुम्हें किसने मारा है? तुम नाम बताओ भैया, मैं उसका खून पी जाऊंगा हरामजादे का। धर्म, मैं ठीक हूँ। धर्म, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। हीरा और उसके साथी राधा को उठा कर ले गए। धर्म, उसको बचा, राधा को बचाओ। धर्म, धर्म, राधा को बचाओ। सरिता, तुम भैया को संभालो। हीरा, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हीरा, बचाओ, बचाओ, बचाओ कोई। बचाओ, बचाओ, छोड़ दे मेरे, छोड़ मुझे, छोड़ दे।
छोड़ दो मुझे। हीरा तेरी किस्मत अच्छी है, अगर आज कुछ भाभी को हो जाता तुझे यही मौत के घाट उतार देता हरामजादे। दिल करता है स्विमिंग पूल में तुम्हारे साथ नहाऊं। तो नहाओ ना जम के, रोका किसने है? इस बहाने मैं भी पानी में उतरी एक जलपरी को ना देख लूंगा। अरे इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ जिस तरह तुम मेरी तारीफ करते हो। मैम साहब, आप कभी मेरी नजर से देखो तो जानो। ओके ओके बाबा, अब मैं नहा लूं। ठीक है, मैंने कब रोका है, नहाओ। ओहो, तुम तो पूरा हुस्न का समुंदर हो मैम साहब। काजल मैम साहब, तुम्हारा ये दूध जैसा बदन देख के तो सच में मेरी नियत खराब होने लगी है। थोड़ा सब्र रखो, ऐसे नियत मत खराब करो। चलो अब मेरे साथ नहा लो। ओके बाबा, चलिए नहाइए। अरे धर्म, तुम भी आओ ना। नॉटी, आया ना। तेरी पहली नजर कर गई वो असर, दिल हमारा न जाने कहाँ खो गया। तूने मुझ पर ये कैसा जादू किया, एक पल में सनम मैं तेरा हो गया। अरे भगवान, ये क्या नर्त हो गया। धर्म, हमारे बुढ़ापे का सहारा चला गया, अब हम किसके सहारे जिएंगे बेटे, अब हम किसके सहारे जिएंगे। काका, मैं तुम्हारी परेशानी अच्छी तरह समझता हूँ काका, मगर मैंने भी बिजली के कातिल हरिया को वो मौत दी है जिसे देख के चौधरी घराने की रूह कांप उठेगी। और आज काका, मैं कसम खाता हूँ बिजली की अर्थी की और बिजली की अर्थी की अग्नि की, कि जब तक मैं चौधरी के घराने का सर्वनाश ना कर दूंगा, मेरे दिल में जो ज्वालामुखी है वो शांत ना होगी। काका, तुम चिंता ना करो काका। धर्म धर्म, वो देखो ये लोग इधर ही आ रहे तुम्हें ढूंढते हुए। सरिता, तुम काका और भैया को संभालो, मैं देखता हूँ इन हरामजादों को। हीरा के पुत्र, तुम भी आज जिंदा नहीं बचोगे मुझसे। पता है धर्म, उस दिन तुमने मेरे साथ क्या क्या किया शरबत पीके? शरबत पीके? हाँ। मैंने क्या किया? वही जो एक मर्द अपनी औरत के साथ करता है। आ? क्या कहना चाहती हो, पहेलियाँ ना बुझाओ, साफ साफ कहो ना। तुम उस दिन इतने मदहोश हो गए थे कि खुद पर से काबू ही खो दिया और मुझसे दीवानों की तरह प्यार करने लगे। हाँ, तुम सच कह रही हो ना? हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूँ। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो होना चाहिए था, तुम मुझ में समा गया और मैं तुम में समा गई। फिर तो मैडम मुझे आपसे सॉरी बोलना चाहिए। नहीं नहीं, आप क्यों सॉरी बोलोगे मेरे राजा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है।
क्या बात है हुस्न शबाब की।